हेलो बच्चों, मैं वापस आया हूँ थर्ड लेक्चर के साथ। मैं आपको एक इसके बारे में एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे से एक बच्चा जो सेंट्रल कैंपस का बच्चा है, वो मुझसे बोला कि सर, मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ ली है और आप मुझे उसकी शीट दे दो या कुछ क्वेश्चंस दे दो कि मैं प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने उससे पूछा कि भैया, हमने नहीं पढ़ाया तो कैसे पढ़ लिया था? तो मैंने उससे जस्ट एक नॉर्मल सी चीज पूछी कि लीनियर मैग्निफिकेशन कितने टाइप के होते हैं। तो वो मुझे बोलता है कि मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का एक होता है, स्फेरिकल मिरर का एक होता है, रिफ्लेक्शन का एक होता है, रिफ्रैक्शन का एक होता है, इतने टाइप के वो होते हैं। तो ये तो एक पहला सवाल। मैंने उससे पूछा कि मैंने उसको बताया कि मैग्निफिकेशन दो टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स और लीनियर सिर्फ। अब बता तू, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो वो उसने साफ बोल दिया कि सर, मुझे नहीं पता। फिर मैंने उससे पूछा कि वो तूने आईआईटी लेवल का पढ़ा है कि बोर्ड लेवल का पढ़ा है? तो उससे बोला कि मैंने आईआईटी लेवल का पढ़ा है। इनफैक्ट उनने तो मुझे यही बोला कि आईआईटी लेवल है। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि आप पैनिक में इधर उधर भटक रहे हो, आप उनका लेवल चेक कर सकते हो कि वो बोर्ड लेवल का पढ़ा रहे हैं कि आईआईटी लेवल का पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको, हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके साथ हैं, आपको कोई किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप जाते हो तो दैट इज योर डिसीजन, यू कैन गो, बट हम इसलिए डिले ना करते हुए आज से वीडियो बनाना चालू कर दिए। तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर प्रॉपर जेई लेवल का पढ़ना चाहते हो तो आप यहीं पे बने रहो, ठीक है? तो अब मैं वापस आ रहा हूँ थर्ड लेक्चर में, कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर? अब इसका क्या मतलब होता है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एक्चुअली हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब हाइट क्या चीज है? हम पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो भी लेंथ को, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये, तो जो भी लेंथ को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नापेंगे ऐसे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नापने पर इस लेंथ को हाइट बोलते हैं। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हाइट ऑफ इमेज। तो इनका रेशियो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है मिरर्स के लिए, चाहे मिरर कोई भी हो, प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, वो होता है माइनस वी अपॉन यू। और इसका डेरिवेशन हम स्फेरिकल मिरर में देखेंगे, पर फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं और हम ये जानते हैं कि प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है मिरर से एक साइड पे, उसकी दूसरी साइड पे उतनी दूर इमेज होती है। और ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट सेम होता है। ऑब्वियसली जब हम मिरर में खड़े होते हैं तो हमारी हाइट और इमेज की हाइट इक्वली तो होती है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है। और एक साइन कन्वेंशन होता है मिरर्स में, वो साइन कन्वेंशन बड़ा सिंपल सा है कि अगर हम कोई भी सारे डिस्टेंस हम कहां से नापते हैं? पोल से। पोल होता है ये पॉइंट, पोल वो पॉइंट होता है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को क्रॉस कर रही है। तो अगर हम इसके पोल से सारे डिस्टेंस को नाप रहे हैं, और अगर हम इंसिडेंट रे, अब देखो जैसे ऑब्जेक्ट ही है तो इंसिडेंट रे ऐसे आएंगे, तो अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नापने चले तो हम पोल से स्टार्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, हम ऐसे जा रहे हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नापने के लिए। तो जो भी डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नापेंगे वो नेगेटिव लेंगे, और जो भी डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नापेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। तो अब हो क्या रहा है कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ऑब्जेक्ट से ही तो आएगी, और हम पोल से उल्टा नाप रहे हैं। तो जो यू है, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू वो तो माइनस एक्स हो गया। अब इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और जब हम पोल से इमेज की डिस्टेंस नापने जा रहे हैं तो भी हम ऐसे ही जा रहे हैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो जो वी हो गया वो हो गया प्लस एक्स। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना हुआ? ये माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस एक और आएगा तो प्लस वन। इसका मतलब ये है कि प्लस ये बता रहा है हमको कि ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज भी ऊपर होगी। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है? एक बार
दूसरी बात वन क्या बता रहा है, वन बता रहा है कि मैग्नीट्यूड में इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम होगी, आया समझ। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो ऊपर नीचे, मान ले चल रहा है तो एच आई वेरिएबल हो गया ना, ऑब्जेक्ट भी चल रहा है तो एच ओ भी वेरिएबल हो गया, तो अगर आप इसको ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, सही है। और एक बार और कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इससे एक कंक्लूजन और निकलता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, कौन सी वाली, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली, ये इंपॉर्टेंट है। मैं कौन सी वाली वेलोसिटी बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली, परपेंडिकुलर टू पी एक्सिस। और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, परपेंडिकुलर टू पी एक्सिस। आएगा समझ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब आती है लीनियर मैग्निफिकेशन की बात। लीनियर मतलब अलोंग द लाइन, तो कौन सी लाइन की बात हो रही है, या इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। सो लीनियर मैग्निफिकेशन में ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, अब बात ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, इनफैक्ट वो लेटा हुआ है, लेटा हुआ यानी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो इसकी इमेज होगी वो भी पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, सही ना। अब आप लेट जाओ मिरर के सामने, इमेज भी लेट जाएगी, ऐसा होता है कि हम लेट गए और इमेज खड़ी हुई है तो वो भूत होगा कोई मिरर में, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट लेटा हुआ है तो इमेज भी लेटी हुई है, तो ये डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट का हेड है ये टेल है, तो अगर हेड से पोल की डिस्टेंस एक्स है तो टेल इसके इमेज के हेड से पोल की डिस्टेंस भी कितनी रहेगी, एक्स। ये भी हमको पता है कि सेम डिस्टेंस पे होती है इमेजेस। और दूसरी बात कि जो टेल है वो भी इक्वल डिस्टेंस पे होगी, इसका मतलब एल आई भी किसके बराबर होगा, एल ओ। और इनफैक्ट मैं ये आपको बता दूं, हर जगह मतलब मिरर्स में जो ML होता है लीनियर मैग्निफिकेशन वो माइनस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है, माइनस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं लीनियर मैग्निफिकेशन को लिख दूं तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, अच्छा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हमारा कितना आया, 1, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा माइनस 1, तो लीनियर मैग्निफिकेशन माइनस वन आ रहा है। अब इसके दो मतलब है, एक्चुअली ये क्या है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके दो मतलब है, इसके एक मतलब ये है कि माइनस क्या बता रहा है कि अगर आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट का हेड जो है वो राइट साइड पे है और टेल का है लेफ्ट साइड पे, तो इमेज का हेड लेफ्ट साइड पे हो गया, टेल का होगी राइट साइड पे, ये इन्वर्जन होता है, सही ना बात, कि ऑब्जेक्ट का हेड अगर राइट साइड पे है और टेल अगर लेफ्ट साइड पे है तो इमेज का हेड लेफ्ट साइड पे होगा और टेल का होगी राइट साइड, ये इन्वर्जन होगा। तो ये माइनस तो ये बता रहा है, और दूसरा वन क्या बता रहा है, वन बता रहा है अभी भी कि एल आई किसके बराबर आएगा, एल ओ के, एल आई किसके बराबर आएगा, एल ओ के, मैग्नीट्यूड में लेंथ दोनों की सेम रहेगी। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया, अगले लेक्चर में अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूँ।